वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। बीते दिन सीएम मान आनंदपुर साहिब से लोकसभा उम्मीदवार मलविंदर सिंह कंग के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। सीएम मान के रोड शो में एक हादसा हो गया। असल में रोड शो के दौरान फूल बरसाते हुए भगवंत मान की आंखों पर चोट लग गई। हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन सीएम भगवंत मान की आंखों में फूल चुभने से उनकी आंखों से लगातार पानी बहता रहा, जिससे उनकी तकलीफ साफ कैमरे में कैद हो गई। आपको बताएं कि सीएम भगवंत मान ने सोमवार को नवांशहर के आनंदपुर साहिब से लोकसभा उम्मीदवार मलविंदर सिंह कंग के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान सीएम भगवंत मान के साथ आप प्रत्याशी मलविंदर सिंह कंग, डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण रोड़ी और आप विधायक दिनेश चड्ढा मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। आपको बताएं कि सीएम मान करीब 3 घंटे लेट नवांशहर पहुंचे थे और जैसे ही नवांशहर के फट्टी बस्ता चौक से रोड शो का काफिला निकला, लोगों ने फूल बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन गलती से फूल भगवंत मान की आंखों में चुभ गया, जिसके बाद वापस वो गाड़ी के अंदर चले गए और कुछ समय बाद दोबारा निकले, लेकिन आंख में चोट से लगातार पानी निकल रहा था। भगवंत मान ने लोगों से फूल आराम से फेंकने के लिए भी अपील की, लेकिन लोग उत्साह में फूल बरसाते रहे। रोड शो के दौरान फूल बरसाने के दौरान भगवंत मान की आंख पर चोट लगी तो भगवंत मान ने कहा कि वो अमीर हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों के तो ज्यादातर नेताओं को चप्पल मिलती है, लेकिन उन पर तो फूल ने चोट दी है। फट्टी बस्ता चौक से कमेटी चौक, कोठी, जलेबी चौक, वहां पर लोगों को संबोधित करने के बाद सीएम मान जल्द ही चंडीगढ़ की ओर रवाना हो गए। आपको बताएं कि मलविंदर कंग के मुकाबले में श्रोमणी अकाली दल ने प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा को टिकट दी है और वहीं आनंदपुर साहिब से लोकसभा सीट से भाजपा ने सुभाष शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही आनंदपुर सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री विजय इंद्र सिंगला को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मुकाबला चौतरफा है, ऐसे में सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन आनंदपुर सीट के इतिहास के बारे में बात करें, क्योंकि ये सीट 2008 तक अस्तित्व में नहीं आई थी और इस सीट का राजनीतिक इतिहास केवल और केवल 3 आम चुनाव का है। 2009 से 2019 के बीच ये सीट कांग्रेस पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के इर्द गिर्द घूमती रही। कहने का अर्थ ये है कि 2009 और 2019 में इस सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी हुई थी, जबकि 2014 में आम चुनाव में श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सांसद बने थे। रवनीत सिंह बिट्टू और मनीष तिवारी बतौर कांग्रेस प्रत्याशी इस सीट से चुने गए हैं, जबकि 2014 में श्रोमणी अकाली दल के टिकट पर प्रेम सिंह चंदूमाजरा सांसद बने थे। 2019 के आम चुनाव पर अगर गौर करें तो इस साल कांग्रेस पार्टी से मनीष तिवारी 40% के करीब वोट प्रतिशत हासिल कर सांसद बने थे, वहीं श्रोमणी अकाली दल के प्रेम सिंह चंदूमाजरा 35% के करीब वोट हासिल कर लगभग 47,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। दिलचस्प बात यहां पे ये है कि इस सीट से 2019 के आम चुनाव में तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार रहा था। बहुजन समाज पार्टी के विक्रमजीत सिंह सोढ़ी को करीब 14% के आसपास वोट मिला था, लेकिन सबसे पीछे 2019 में आम आदमी पार्टी रही थी। आम आदमी पार्टी को यहां केवल उस समय 53,000 वोट मिले थे। इस बार आम आदमी पार्टी ने मलविंदर सिंह कंग पर दाव खेला है। अब आनंदपुर सीट से कौन बाजी मारता है, इसका फैसला 4 जून को होगा। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।